राजस्थान में हारकर भी सरकार बनाएगी कांग्रेस, सक्रिय हुए गहलोत। बीजेपी में सीएम पद को लेकर टकराव खुलकर आने लगा सामने। वसुंधरा को सीएम नहीं बनाए जाने पर नाराज दिख रहे हैं उनके समर्थक। वसुंधरा राजे सिंधिया दिल्ली में पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर रही हैं। सवा घंटे तक उनकी बैठक चलती है। बैठक में झालावाड़ से सांसद दुष्यंत सिंह भी राजे के साथ रहते हैं। बाद में वसुंधरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंच जाती हैं। शाह से भी वसुंधरा की लंबी चर्चा होती है। ये सब चर्चाएं राजस्थान में सीएम पद को लेकर चल रही हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया पर आरोप लग रहे हैं कि वो लॉबिंग कर रही हैं, साथ ही अपने समर्थक विधायकों की बाड़ेबंदी भी कर रही हैं। वैसे बाड़ेबंदी को लेकर तो उनके समर्थकों की ओर से सफाई पर सफाई दी जा रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन वसुंधरा विरोधी इस मुद्दे को तूल देने में जुटे हुए हैं। कहा जा रहा है कि हाईकमान वसुंधरा को सीएम नहीं बनाएगा, लेकिन उन्हें खारिज करना भी आसान नहीं है, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी को जो 115 सीट मिली है उनमें से करीब 45 से 50 विधायक वसुंधरा समर्थक हैं। चुनाव परिणाम आने के 48 घंटे के अंदर 70 से ज्यादा विधायक राजे से मिलने भी पहुंचे थे। साथ ही जो निर्दलीय जीत कर आए हैं उसमें भी 4 वसुंधरा समर्थक माने जाते हैं। दावे यहां तक किए जा रहे हैं कि राजे समर्थक विधायकों की संख्या 50 से भी ज्यादा है। अगर राजे को सीएम नहीं बनाया गया तो ये लोग बगावत कर सकते हैं। बीजेपी के अंदर बढ़ते टकराव के बाद अब राजस्थान में कांग्रेस भी सक्रिय हो गई है। पहले कांग्रेस राजस्थान को लेकर जल्द ही बड़ा फैसला लेने की तैयारी में थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि राजस्थान पर पार्टी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। इस बीच ये खबर आ रही है कि राजे समर्थक कई विधायक गहलोत के संपर्क में हैं। ये संख्या 2 दर्जन के करीब बताई जा रही है। सवाल उठ रहे हैं कि अगर राजे समर्थक विधायकों ने बगावत कर दी तो क्या राजस्थान में उलटफेर हो जाएगा? अगर 40 विधायक पाला बदल जाते हैं तो या बगावत कर जाते हैं तो फिर राज्य के परिणाम बदल जाएंगे, क्योंकि पहले से ही तय माना जा रहा है कि बीएपी, बीएसपी, एलएलडी, आरएलपी के 7 विधायकों का समर्थन गहलोत को आसानी से मिल जाएगा। 8 में से 6 निर्दलीय भी गहलोत के साथ जाने को तैयार दिख रहे हैं, यानी कांग्रेस के पास 83 सीटों की व्यवस्था आसानी से हो जाएगी। ऐसे में अगर बीजेपी के 40 विधायकों ने बगावत कर दी तो बहुमत का आंकड़ा 80 रह जाएगा। वैसे वसुंधरा ये साफ कर चुकी है कि वो पार्टी का फैसला स्वीकार करेंगी और किसी तरह की बगावत नहीं करेंगी, लेकिन वसुंधरा समर्थक इसे स्वीकार करेंगे इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी जयपुर में जिस तरह से 0.5 दर्जन से ज्यादा वसुंधरा समर्थक विधायक रिजॉर्ट में पहुंच गए थे, ये संख्या 4 दर्जन भी हो सकती है, और इसी खबर ने बीजेपी हाईकमान की टेंशन बढ़ा रखी है। फिलहाल तो वसुंधरा और दुष्यंत सिंह की ओर से कहा जा रहा है कि विधायक अपनी मर्जी से कहीं गए होंगे, उनका इस तरह किसी भी घटना में कोई हाथ नहीं है, लेकिन राजनीति में कब क्या होगा इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान वसुंधरा की जगह किसी नए नेता को राजस्थान की कमान देने का मन बना रहा है, और इस रेस में बीकानेर के सांसद अर्जुन राम मेघवाल और जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। दोनों को ही लोकसभा से इस्तीफा देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये अभी विधानसभा के सदस्य नहीं बने हैं। ऐसे में अगर विधानसभा के लिए उपचुनाव होगा भी तो वो लोकसभा चुनाव के साथ मई में ही होगा, लेकिन ये दोनों ही नेता वसुंधरा के कट्टर विरोधी माने जाते हैं। ऐसे में अगर हाईकमान ने इनमें से किसी एक का नाम तय किया तो राजस्थान बीजेपी में बड़ा संकट भी खड़ा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।